All students, you are welcome. Online class, Sardar Patel Inter College, Jerohli, Phase 2, Kanpur. Class 10, Social Science. Topic, Khanij Tatha Urja Sansadhan. Khanij, जो पदार्थ भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि इस आधुनिक युग में विकास के लिए खनिजों की कितनी आवश्यकता है। जिस देश में जितने ही अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो देश उतना ही विकसित देश की कैटेगरी में आता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक काल में चाहे वो मशीनें हों, कल कारखाने हों, गाड़ियां हों, या इस आधुनिक परिवेश में जितनी भी लग्जूरियस वस्तुएं हैं उनमें खनिज पदार्थों का प्रमुख रोल होता है। खनिजों के प्रकार, खनिज सामान्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, टिन, मैंगनीज आदि। जैसा कि आपको विदित होगा कि जितने भी खनिज पदार्थ भूगर्भ के अंदर जो भी पाए जाते हैं वो कच्चे रूप में पाए जाते हैं, बाद में उनमें एक संशोधन की प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे खनिजों को मिक्सर करके कई अन्य चीज़ों का उत्पादन किया जाता है या अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। दूसरा आता है धात्विक खनिज। जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इनमें अभ्रक, हीरा, जिप्सम, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट इत्यादि। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अधात्विक तो होते हैं लेकिन उनकी भी इस आधुनिक युग में बहुत अधिक उपयोगिता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभ्रक का प्रयोग कई धातुओं को बनाने में किया जाता है और आज के युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, अधात्विक खनिज है। और भारत का अभ्रक उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। अब सबसे पहले धात्विक खनिजों में हम लौह अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में लौह अयस्क इस आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण धातु है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहे की अधिक आवश्यकता के कारण ही वर्तमान युग को मशीनरी युग कहा जाता है या कल कारखानों का युग कहा जाता है। और भारत वर्ल्ड का एक चौथाई लोहे का उत्पादन करता है। भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्र या राज्य लोहा की कई कैटेगरियां पाई जाती हैं, जैसे हेमेटाइट, लैक्टेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि। और लोहा चूंकि कच्चे रूप में पाया जाता है, बाद में भट्टियों में इसको 25 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पर इसको गलाने की एक कई प्रक्रिया होती है और कई सारी धातुओं को मिक्सर करके इसको इस्पात के रूप में बनाते हैं। और भारत संसार में लोहे का एक प्रमुख निर्यातक देश है। सबसे अधिक मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात वर्ल्ड के अनेक देशों पर किया जाता है।
भारत का लगभग 95% जो लोहा उत्पादक प्रांत हैं, उनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटक लगभग 95% जो लोहा भारत में उत्पन्न होता है वो इन छह प्रमुख प्रांतों में उत्पन्न होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का अधिकांश जो खनिज पाया जाता है वो छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, अपरक हो, ये सब छोटा नागपुर के पठार में ही उत्पादित किए जाते हैं। और चूंकि वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण धातु है, और कल कारखाने हो या मशीनरी हो या वाहन हो या घर में जितने भी उपकरण होते हैं उनमें अधिकांश में लोहे की उपयोगिता होती है, भारत में कई मशहूर लोहे की खाने हैं। और भारत में चूंकि आप सभी जानते हैं कि लोहा के कई प्रमुख सारे उद्योग केंद्र हैं, जहां पर सबसे अधिक दो आपके रशिया के सहयोग से और एक इंग्लैंड के सहयोग से, एक जर्मनी के सहयोग से, जैसे आपको मालूम है कि राउरकेला इस्पात केंद्र उड़ीसा, बोकारो, बिहार या वर्तमान में झारखंड, इसके अलावा भिलाई, छत्तीसगढ़, और दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, जो कि भारत के विदेशों के साथ जो सबसे बड़े सरकारी उपक्रम हैं वो राउरकेला उड़ीसा, बोकारो बिहार, वर्तमान में झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इसके अलावा भारत में कई सारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अधिक हैं, जैसे जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, झारखंड या वर्न या सलेम अनेक। और भारत का जो भी छोटा नागपुर का पठार, ये जो आपका एरिया आता है प्रमुख, इधर आपका ये गोवा और ये आपका कर्नाटका, इधर आपका ये पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, ये आपका ऐसे आपका छत्तीसगढ़, इधर ये आपका झारखंड, या फिर इधर ये आपका मध्य प्रदेश, और इधर ये आपका बिहार। Thank you.
थैंक्स। आगे जो खनिज पदार्थ हैं वो बच्चों आगे की ऑनलाइन क्लास में हम आपको अन्य धातुओं के बारे में बताएंगे।